इकबालपुर चीनी मिल के मुख्य महाप्रबंधक शिव पूजन मिश्रा ने भाजपा नेता कुलवीर चौधरी पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया है। महाप्रबंधक का कहना है कि कुलवीर चौधरी अपने निजी स्वार्थ के लिए किसानों को मिल के खिलाफ भड़काने और पेराई सत्र में रुकावट पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है उससे हमें, हमारे कर्मचारी और अधिकारियों को भी जान माल की सुरक्षा का खतरा पैदा हो रहा है। मुख्य महाप्रबंधक शिव पूजन मिश्रा ने बताया कि मिल के पास एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जबकि कोर्ट ने एक मामले में मिल परिसर से 200 मीटर के अंदर किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन, शोर शराबा और लाउड स्पीकर पर भाषण देने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसके बाद भी महापंचायत बुलाकर किसानों को भड़काने का कार्य किया जा रहा है। मुख्य महाप्रबंधक ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि ऐसे स्वार्थी व्यक्ति और असामाजिक तत्वों के उकसावे व भड़काने में न आए। न्याय हित और किसान हित में मिल पेराई सत्र के संचालन में अपना बहुमूल्य सहयोग करते रहें। मुख्य महाप्रबंधक ने कहा है कि इस समय पूरी शुगर इंडस्ट्री बड़ी आर्थिक मंदी से गुजर रही है, फिर भी किसानों के सहयोग से मिल प्रबंधक के द्वारा मिल को ऐसी स्थितियों में भी उबारने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें 2 से 3 साल तक का समय लग सकता है। मिल के मुख्य महाप्रबंधक के आरोपों के बारे में जब भाजपा नेता कुलवीर चौधरी से बात की गई, तो उन्होंने आरोपों को नकारते हुए कहा कि मिल प्रबंधक किसानों को गुमराह कर रहा है। पिछला बकाया चुकाया नहीं गया है और नया पेराई सत्र शुरू कर दिया गया है। पुराने भुगतान को लेकर महापंचायत बुलाई गई है जिसमें काफी किसानों के पहुँचने की उम्मीद है। गन्ना मूल्य की अगर मांग को करना भड़काना कहते हैं प्रबंधक महोदय, तो ऐसी घटनाएं भड़काने के वाली हम बार बार करेंगे, उनके मात्र कहने से हम रुकेंगे नहीं। किसानों का 200 करोड़ बकाया है, तो अगर अपनी पैसे की मांग करना भी भड़काना है तो उसका तो निष्कर्ष आप स्वयं निकाल सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, हम क्या मांग रहे हैं। ऐसा है, किसान किस तरह खुश हो सकता है? बच्चों के नाम कटे हुए हैं, समझे, कर्जे की वसूली के लिए अमीन घर घर जा रहा है, समझे, उसके पास की मौलिक सुविधाओं का उसके पास पैसा नहीं है, तो वो जरूर संपन्न है कि हाँ उन्होंने जो है अपना लोगों की कमाई जो है आम जनता की वो अपनी तिजोरी में बंद कर ली, तो आम जनता जो है वो तो दुखी है, पूरा किसान अक्षता दुखी है। ये जो गन्ना दिख रहा है आपको, ये मिल की मोहब्बत में नहीं आ रहा, यहाँ जो है तो एक मजबूरी है बेचारे का, सामने किसान के आगे उसे अपना गेहूं बोना है, इसलिए आ रहा है सिर्फ। और हम इस गन्ने, हमारा मेन उद्देश्य है कि यहाँ के आम किसान को हम उसको शुभकामना देना चाह रहे हैं, उनके सहयोग से जो चीनी मिल का संचालन हमने 12 दिसंबर से किया है और जो उनके बीच एक कमिटमेंट है, जो सरकार के टैगिंग आदेश का अनुपालन है उसका करते हुए उसमें जो अनुपालन है, हमको 14 दिन में भुगतान करना है जो हमने उनसे समझौता किया था, लेकिन हमने भुगतान आज 7वें दिन 3 दिन का निकाल दिया है 11, 12, 13 को। तो उनसे यह मेरा अपील है कि आपके सहयोग से, आपके स्नेह से, आपके प्रेम से हमने चीनी मिल का सत्र 2019-20 का संचालन किया है और हम आपके विश्वास पर खड़े उतरेंगे। यहाँ के कुछ अराजक तत्व हैं, कुछ सामाजिक लोग हैं, जिसमें एक हमारे चौधरी कुलवीर सिंह जी हैं जो किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, चीनी मिल को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं, चीनी मिल को बंद कराने का प्रयास कर रहे हैं स्वहित में। तो मेरा आपके माध्यम से सभी किसानों से यह विनम्र निवेदन है कि आप चीनी मिल को चलाने में सहयोग कीजिए। चीनी मिल आपकी एक एक पैसे की देयता देगी, हम उसका 100% भुगतान करेंगे। 19-20 का भुगतान करना हमने जैसा किसानों के बीच तय हुआ था कर रहे हैं, 17-18 का भुगतान भी हम बैंकों के माध्यम से कर रहे हैं, वो जनवरी तक क्लियर कर देंगे और 18-19 का जो भुगतान है वो 4 इंस्टॉलमेंट में जो तय हुआ है हम उसके अनुरूप भुगतान सुनिश्चित करें। जबकि चौधरी कुलवीर सिंह जी जो हैं वो किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, हमारे कर्मियों को भड़काने का काम कर रहे हैं, जो किसी भी तरह से न तो किसान हित में है, न कर्मचारी हित में है, न न्याय हित में है, न सरकार हित में है। सर, तो आपके माध्यम से पुनः अपील करेंगे किसानों से कि आप किसी के बहकावे में न आइए, किसान के